ताना भगत मूवमेंट 21 अप्रैल 1914 को ताना भगत आंदोलन की शुरुआत आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के टोली गांव से प्रारंभ हुआ, जो 1920 तक चला। मुख्यतः यह उरांव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। गुमला जिला आज छोटा नागपुर एरिया में स्थित है। आंदोलन के कारण मुख्यतः यह आंदोलन ब्रिटिश अथॉरिटी और वहां के लोकल जमींदार के एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेस प्रैक्टिस को लेकर किया गया था। अर्थात कि हम लोग देखें कि कॉजेस ऑफ मूवमेंट सो अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द लोकल ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल जमींदार्स। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म, जो मूलतः उरांव जनजातियों का मूल धर्म माना जाता है, के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। जतरा भगत ने उरांवों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश, जो उरांवों के देवता जाने जाते हैं, उनकी आराधना पर बल दिया। इस आंदोलन के एक और नेता तुरिया भगत भी थे। इस आंदोलन के माध्यम से जतरा भगत ने अपने लोगों को पशु बलि, मांस मदिरा एवं इसी तरह की और कुरीतियों को त्यागने पर बल दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे, दैट मीन्स नो टैक्स। उरांव लोगों ने और जनजातियां लोगों की ही तरह दिक्कुओं जनजातीय समूह में जितने सारे बाहरी लोग होते हैं जो उनके टेरिटरी में जाके गलत तरीके से रहने लगते हैं, जनजाति समूह उन्हें दिक्कू कहता है। तो यहां पर वही कहा गया है, दिक्कुओं के यहां मजदूरी नहीं करने का अभियान चलाया गया, जिसके चलते 1916 में जतरा भगत को कैद कर जेल में डाल दिया गया और 1916 में ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। प्रायः आदिवासियों में ऐसा विश्वास है कि जतरा भगत बिरसा मुंडा के ही एक रूप थे। जतरा भगत को ताना भगत भी कहा जाता है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम ताना भगत आंदोलन है। जतरा भगत का जन्म 1888 में चिंगरी नबाटोली गांव में हुआ था, जो आज के गुमला जिले में स्थित है। इनकी मृत्यु 1916 में हो गई थी। इनके पिता का नाम कोडल ओरान था और इनके माता का नाम लिबरी था।